हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग पेसेंस ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेसेंस ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, क्या ये ऐप रियल है या फेक है, और अगर आप इस ऐप को यूज़ करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन का लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपको 250 रुपीस तक का बोनस भी दिया जाएगा। बात करते हैं पेसेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी 100% रियल एप्लीकेशन और RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इसके बावजूद भी अगर आप इसे लोन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही ले सकते हैं यहाँ पे आपको, लेकिन इंटरेस्ट रेट बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा हाई आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ में बात करेंगे कि इसके बारे में, इस एप्लीकेशन पे अगर आपको साइनअप करना होगा तो साइनअप के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी सभी डिटेल्स, बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। और इसके बाद अगर आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे टाइमली तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ऐप से आपने लोन लिया है वो कि एक तरह का पर्सनल लोन है। और पर्सनल लोन के केस में ऐसा है कि अगर आप लोग पर्सनल लोन पे नहीं कर पाते तो फिर आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिविल स्कोर है वो लो हो जाएगा। एक होता है सिक्योर लोन, जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को आप वहाँ पे मॉर्गेज रखते हैं, लेकिन ये अनसिक्योर लोन है, यहाँ पे आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो सिविल स्कोर की दिक्कत आती है। सिविल स्कोर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है आपको, यानी कि आपको कोई भी अदर लोन नहीं मिलेगा इस लोन के अलावा। अगर आपने इस लोन एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं किया तो फिर इन फ्यूचर में आपको कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे आप लोग के मन में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन वाले घर पे आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये एजेंट आपके घर पे आते हैं तो एजेंट 100% फेक एजेंट होते हैं। आप उनसे उनका आईडी प्रूफ मांग सकते हैं और वो आपको आईडी प्रूफ में कुछ भी नहीं दिखाएंगे, तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो एजेंट है आपके घर पे आए हैं वो 100% फेक एजेंट है। बाकी धमकी पे आपको पुलिस की भी धमकी दी जाती है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादा दिन रिपेमेंट नहीं करने पे आपके पास सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग चाहे तो लोन को सेटल भी कर सकते हैं। लोन सेटल कैसे किया जाता है, तो जैसे 10,000 आपने लोन लिया था वो अब आपको 20,000 हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये है तो आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये पे करके ही लोन को क्लोज भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा उन लोगों से जिनके पास पेमेंट है कि वो इस एप्लीकेशन का ज़रूर से ज़रूर पेमेंट कर दे। बाकी ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐप का पेमेंट नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, आपको कोई भी अभी इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल स्कोर लो हो जाएगा, जिससे इन फ्यूचर में आपको आगे कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका लोन पे नहीं कीजिए। बाकी जो नोटिस वगैरह आते हैं और कॉल्स आते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, आपका जो लोन डबल हो जाता है, तो ये सब एकदम नॉर्मल चीज़ है। कोई भी कंपनी वाली अगर आपको लोन देगी तो वो आपको तंग करने की कोशिश करेगी ताकि वो आपसे लोन वापस ले सके, लेकिन आपको डरने की कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एप्लीकेशन के साथ बहुत जल्द।